नमस्कार, गुड इवनिंग दगड़ियों, क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दगड़ियों, ये देख रहे हो भाई, पहाड़ों में सावन है और रिमझिम बारिश दिन भर यही लगा रहा है। ठीक है, चाय पीने के लिए आए थे घर। ठीक, खेतों की अगर बात की जाए तो क्या ही कहना, और बारिश में हम भीग रहे हैं। देख रहे हो चारों तरफ का मौसम, आप देख सकते हो किस प्रकार का है। बहुत ही डरावना लग रहा होगा आपको, बट ये पहाड़ों की सावन है भाई। तो भाई दिन भर भीग रहे हैं और बुखार भी है, आजकल तबीयत ठीक नहीं है। दगड़ो आ चुके हैं हम अपने पड़ोसी के घर में, देख रहे हो। अरे ये है आयुष। आयुष हेलो कर दो। हेलो हेलो दादी, राम राम दादी, राम राम दादी, गुड मॉर्निंग दाजी, राधे राधे दाजी, दाजी क्या देख रहा है? दे 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 दाजी, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है दाजी? और ये राजेंद्र सिंह देख रहे मनरेगा खा रहे काम का आज। ठीक रहा, बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। कितने आदमी को आदमी कितने रहे काम पे? 11। ठीक, तो दोस्तों ये जो है काम से आ रहे हैं मनरेगा से बारिश में। ठीक है, काफी थके हुए हैं, काफी थके हुए हैं। और क्या बन रहा है शाम के टाइम? शाम का तो अभी कुछ पता नहीं, अभी तो चाय बनाएंगे, चाय पीएंगे। तो भाई यही चलता है गांव में बारिश में, और बस इधर उधर के हाल समाचार और गप्पे लड़ाते रहते हैं एक दूसरे से। और अगर अगल बगल का सीनरी आप देखो ना, तो भाई क्या ही कहना। ये देखो पूरा सावन है और सुनने में आ रहा है कि अब कुछ ही दिन में जो है जो पहाड़ों का मशरूम है वो निकलने वाला है। तो जब वो निकलेगा तो उसके भी स्पेशल ब्लॉग आप लोगों के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, और सब्जियों की अगर बात की जाए तो भाई ये देख रहे हो चचिंडा, इसको बोलते हैं भाई चचिंडा। ठीक है, काफ़ी लगे थे, खा लिए इन्होंने काफ़ी। तो दगड़ियों कुछ बरसात में इसी प्रकार की साग सब्जियां गांव में होती रहती है और माहौल तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, गांव के आसपास का माहौल बड़ा ज़बरदस्त माहौल हो रखा है, काफ़ी बारिश हो रही है सुबह से और बिल्कुल धुंध सी लगी है। ठीक है, तबीयत थोड़ा कल से हमारी थोड़ा ठीक है, आज थोड़ा बुखार कम है, कल काफ़ी तेज़ बुखार आ गया था। शायद नई नई बारिश में भीगने से ऐसा कुछ होता है, ये आम बीमारियां होती है पहाड़ों में, बट भाई लोगों को बिना दवाई खा के ठीक हो जाती है। और ये जो है बट भाई लोगों को छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की शक्ति पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ इस प्रकार के इन्वायरमेंट में भाई जिनके 20-25 साल गुजर गए होंगे, काफ़ी कुछ जो है स्ट्रगल कर देते हो, छोटी छोटी बीमारियों से खुद ही लड़ जाते। और ये जो बारिश चल रही है ना भाई, ये रात भर चलती रहेगी क्योंकि ये शाम टाइम को अभी स्टार्ट हुई है। और मिर्च की खेती की अगर बात की जाए तो मिर्च आप देख ही रहे हो, इनमें कुछ रोग लग रहा है, पीले पीले हो रहे हैं। आप लोगों में से किसी को भी ये जानकारी है कि इनके कीट पतंग या क्या हो रहा है इन मिर्चों को, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखे, हम ज़रूर उस चीज़ को अप्लाई करेंगे और ये मिर्च जो है ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नीचे आप मिर्च की खेती देख रहे होंगे, ये मिर्च भी टूटने लग गया है, जब बारिश ज़्यादा होती है ना भाई तो लटक जाते हैं इसके पेड़। ठीक है, क्योंकि लंबे लंबे होते हैं। इस प्रकार की छोटी मोटी परेशानियाँ गाँव में अक्सर होती रहती है। आज दिन भर जो है तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए, तो सोचा शाम के टाइम आप लोगों के साथ कुछ झलकियाँ शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा शाम का पहाड़ों की ये शाम। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है भाई, जब भी चैनल में आते हो तो रेड कलर का जो सब्सक्रिप्शन का बटन होता है उसको रेड ना रहने दें। और पहाड़ों से रिलेटिव ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पहाड़ तक के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों दिन भर जो है फोपट हो गया, हमने सोचा कि बारिश होगी लेकिन हुई नहीं, और शाम के टाइम ये बारिश हो रही है और इसी के कारण हम जो है आज काम पे भी नहीं जा पाए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से फोपट होता है भाई हमारा भी इस सावन के टाइम में। ठीक है, और ये डेली डेली का रूट है भाई इन बरसातों में, लेकिन बारिश अब हो रही है शाम के टाइम।
तो दोस्तों हो चुकी है शाम, रात और रात होने वाली है, ठीक है। और आज बना रहे हैं हम चिकन रात के डिनर में, ठीक। नॉर्मल प्रोसेस तो आप समझ ही सकते हो चिकन का क्या होता है, फिर मैं बनाता हूँ आप लाइफ स्टाइल आपको, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें जो है मैंने प्याज रख दिए, और ये भाई चूल्हे का चिकन का स्वाद भी कुछ अलग रहता है। ये मिक्सी में पिसा हुआ प्याज है, इसको ऑयल में थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, यानी कि भूनेंगे, ठीक है। इसका कलर देख रहे होंगे आप, थोड़ा ब्राउन टाइप का हो रहा है ना, इस प्रकार का ये कलर हो जाता है भूनने के बाद। और ये भाई ये मिक्सी में तैयार है अपना टमाटर, ये देख रहे हो, ये अपना टमाटर सॉस रेडी है। इधर लहसुन और यहाँ पे जो है ये पीसे जाएंगे, ठीक है, सोनिया जी के द्वारा। और ये बन रहा है हमारा चिकन, ठीक है, हाफ के जी चिकन है और काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। मसाले यूज़ करेंगे सिर्फ घरेलू मसाले, ये देख रहे हो, लहसुन धनिया कुछ इस प्रकार के मसाले होते हैं, तो धनिया डालेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल मसाले में बनाएंगे, लेकिन भाई लोगों को इतना टेस्टी होता है ना, क्या बताएं, ठीक है, आपका भी खाने का मन करेगा। और इस रेसिपी को आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल हेल्थी और सिक्योर रेसिपी है, ठीक है। इधर हमारा जो है जो हमने प्याज भूनने के लिए रखे हैं, तो भाई नीचे लगने लग गए, यानी कि भून रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम सीधे चिकन, चिकन को फ्राई करेंगे इसके साथ, जो चिकन रखा है ना हमने, तो चिकन रख देंगे इसके साथ, फ्राई करेंगे चिकन, डाल दिया हमने चिकन। ये चिकन इसमें ऐड हो गया, अब इसको जो है अच्छी तरीके से भूनेंगे। और चिकन जो है भाई ऑटोमेटिक पानी छोड़ता है, आपको ये पता होगी, जब ये पानी छोड़ने लग जाता है ना, तो उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे अन्य मसाले, तब तक हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे ये प्याज और ऑयल के साथ। और चूल्हे में चिकन का जो मज़ा होता है ना भाई, वो गैस में नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। इसमें हम ढक्कन रख देंगे थोड़ी देर, और इसको पानी छोड़ने देंगे, ठीक है। इस प्रकार से पीसा जाता है नमक मिर्च, देख लो सिलवटे में, ये सोनिया जी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हुई, ठीक है, और काफ़ी बारीकी से पीसेंगे, और इसमें स्वाद कुछ और होता है भाई। वैसे हम ये चीज़ें जो है मिक्सी में भी पीस सकते हैं, ठीक है, इसमें जिसमें हमने पहले पीसा है, बट सलवटे का ना इसका स्वाद ही कुछ डिफरेंस होता है, काफ़ी अच्छा लगता है इसका, और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इस प्रकार से इसको अच्छी तरीके से पीसा जाता है। तो यही मसाले यूज होने वाले हैं आज के डिनर के चिकन में, बने रहे ब्लॉक में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सावन के महीनों में चिकन जो है वैसे तो लोग कम ही खाते हैं, बट भाई हम कभी कभी खा लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा परवाह नहीं करते, जब मन करता है तो बरसात में खा लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अब जो है इसने पानी छोड़ दिया है, और थोड़ा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब ये जो सलवट में पीसा था ना भाई मसाला, ये डाल देंगे इसमें, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और भाई ये मिक्स में पीसा हुआ आम का, ये जो हमने टमाटर सॉस बनाया था, ठीक है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। आलू डालें, आलू डालें, और इस प्रकार से कलर दिख रहे हैं इसका भाई, गजब का कलर देख लो, ये ग्रेवी ग्रेवी ग्रेवी, ठीक है। और अब इसमें हल्दी और मिर्च जो कि पिसा पिसा है, ये थोड़ा मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हम कम खाते हैं अपने पापा की वजह से, और हल्दी थोड़ा ये ऐड कर दिया है, ठीक है। तो पिसे हुए मसाले आप ऐसे डाल सकते हो, और खड़े मसाले सिलवटे में ऐसे पीस सकते हो। तो भाई इसकी ग्रेवी देख रहे हो कितनी गजब ग्रेवी, नमक डालना जी, और ये नमक डाले जा रहा है भाई, ठीक है। तो भाई लोगों ये देख सकते हो ग्रेवी, देख रहे हो, तो ये है पहाड़ी इंटरेस्टिंग चिकन करी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी होता है भाई इस प्रकार का चिकन, आप भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान इतना रखना कि जो आप प्याज का मसाला पहले डालते हो ना, उसको अच्छी तरीके से भून लें चिकन के साथ,
चिकन के साथ भुनना है उसको, उसके बाद आपका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। और अपने खड़े मसाले सलवटे में पीस के कुछ इस प्रकार से यूज़ करोगे ना तो भाई गजब का स्वाद आएगा। और ये देख रहे हो मसाले का पानी डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा पानी इसमें ऐड कर सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार, जितना आपको लगता है, ठीक है। इसकी करी भी बढ़ सकती है भाई थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है पहाड़ी स्टाइल में अपना डिनर के लिए चिकन रेडी, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर से अच्छी तरीके से बॉयल होने देंगे, मिक्स होने देंगे मसाले पूरे, वैसे तो मसाले सारे मिक्स हैं ही, और उसके बाद रेडी फॉर यूज। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज के डिनर का चिकन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करें आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।